जानबूझकर चुनावों को प्रभावित करने के लिए, लोगों में दहशत पैदा करने के लिए सीमा पार से साजिशें हो रही हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी सेना के जवानों की। 24 घंटे सातों दिन वो मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करते हैं। और चूंकि अभी देखिए रियासी की अलग अलग सीटों पर वोटिंग हो रही है, कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं लोगों को। ये उनकी अनथक कोशिश का नतीजा है कि आज एक बार फिर वो जमहूरियत का सूरज देखने निकले हैं। पहले हमें बायकॉट का कॉल मिलते थे, इस टाइम हम देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं, वोट कास्ट करने अमन चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं। अच्छा है, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये तब्दीली जो लोगों की सोच में आई है वो इस उम्मीद से आई है कि उनके हुकूक को जो पामाल किया जाता था अब उनका खास ख्याल रखा जाए। तो बात हो रही थी रियासी में होने वाली आतंकी घटनाओं की, और रियासी में भी आज वोटिंग हो रही है। अच्छी बात यह है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। अनिरुद्ध जी, परिसीमन का फायदा क्या बीजेपी को होने वाला है, हालांकि फर्स्ट फेज को लेकर भी और अब सेकंड फेज को लेकर भी जो चुनावी जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए उतना फायदा है नहीं, और बीजेपी ने खुद भी 90 की 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे, उसमें बैकडोर से प्लानिंग ये भी हो रही है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वहां गुंजाइश रखी जा रही है हाथ मिलाने की। और आज आपने अपनी बात में भी, माफ कीजिए आपने नहीं, 9 बजे डिबेट में जो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे उन्होंने आज 3 खानदानों का जिक्र नहीं किया, सिर्फ 2 पर वो सिमट गए, यानी इक्वेशंस अभी से बनाने की कोशिशें हो रही हैं। रचना जी, मैंने जो फर्स्ट डिबेट में स्टार्ट किया तो मेरा अपना मानना था कि मैं सकारात्मक दृष्टि के साथ में डिबेट करूं ताकि लोगों को आपके चैनल के माध्यम से इंथुसाइज किया जा सके, जो भी कंट्रीब्यूशन जितनी देर का मिले ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग निकल के वोट करें। लेकिन गरिमा जी ने जो ओपनिंग रिमार्क किया वो ऐसा लगा जैसे किसी चुनावी रैली में अपना मैनिफेस्टो पढ़ रही है। 1947 से लेकर 1965 तक कौन था, यही प्रधानमंत्री बनाए हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी, फारूक अब्दुल्ला जी के। मेरा काम ही वही है जनाब, अपना मैनिफेस्टो दूर दराज तक प्रचार प्रसार करना, वही एक कांग्रेस प्रवक्ता का काम है। 1965 के बाद में आपकी सरकार रही है, आपके लोग रहे हैं, यही एनसी थे। 1990 में आप कहती है कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलेशन की बात करती है, जिसके साथ आपने समझौता आज किया हुआ कि अलायंस में चुनाव लड़ रही, यही फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और उसके बाद में आप कहते हैं लोकतंत्र, आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों पर एक पिक्चर बनाने के अलावा क्या कर दिया कश्मीरी पंडितों के लिए? चुनाव करा पाए आप लोगों ने मात्र एक पिक्चर बनाने के अलावा क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? अपना 10 साल का 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, हमारी सरकार जब भी रही लेकिन पिछले 10 सालों के बराबर, पिछले 10 सालों के बराबर दमन कभी नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों का। और दमन हमारी सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया वो छोड़ दीजिए, आप तो पार्टी विद डिफरेंस से की बात करते हैं, आप तो पार्टी विद डिफरेंस से वो डिफरेंस दिखाई क्यों नहीं पड़ा कि विस्थापित लोगों को आपने रिजर्वेशन नहीं दिया? आज का टाइम तो बड़ा प्रेशियस है। अनिरुद्ध जी, गरिमा जी, आज का टाइम तो बड़ा प्रीशियस है, आज लोग घरों से निकलेंगे, अगर आप आपस में चीखेंगे चिल्लाएंगे, अगर आप लोग आपस में चीखेंगे चिल्लाएंगे तो लोगों तक आपका मैसेज पहुंचेगा नहीं। हाँ गरिमा जी आपने जब बोला था, गरिमा जी जब आपने बोला था तो अनिरुद्ध जी एकदम चुप रहे थे, तो अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा प्लीज शांतिपूर्ण तरीके से। और मेरे साथ गौरव कपूर जी जुड़ गए हैं एनसी से, चूंकि अभी कुछ टाइम के लिए वो कनेक्ट हो गए थे। गौरव जी, जो अभी सेकंड फेज के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं, आप कितने आश्वस्त हैं अपनी बढ़त को लेकर? देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो इस वक्त अगर कोई भाजपा के हमारे मित्र को खुश हो रहे हैं इस बात पे कि बजोटिया वोट जो है वो बहुत ज्यादा पोलिंग हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस चीज से निश्चिंत रहे, ये उनके अगेंस्ट ही काम हो रहा है, उनके फेवर में काम नहीं हो रहा। क्योंकि पिछले 2014 से लेके अभी तक ये इलेक्शन 10 साल बाद हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम स्पेशली जो यूथ है वो उसको तो ये लग रहा है कि पता नहीं हमारे यहाँ इलेक्शंस कितने सालों के हजारों सालों के बाद हो रहा है, इसलिए ये चीज हम समझते हैं। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहां तक बात है, आपने देखिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जमात है उसको सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। और जम्मू संभाग में जहां ये पार्लियामेंटल कैंडिडेट दोनों भाजपा के खड़े थे, इनको 4 से 5 लाख वोट जो है इनका कम पड़ा, तो इट्स मीन इनको जम्मू के लोगों ने भी इनको कहीं ना कहीं इनको नकारा है। और ये मैं चीज आपको क्लियर कर दूं कि इस बार जब जम्मू कश्मीर के ये चुनाव का रिजल्ट आएगा 8 तारीख दूर नहीं है, आप देखिएगा कि मेजोरिटी ऑफ एमएलए जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आएंगे। और कहीं ना कहीं आप देखिए
आप जितनी देर ये कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट की, ये किया वो किया, अगर मैं जम्मू संभाग की बात करूं, आप देखिए पिछले 5 सालों से, चाहे वो पीडीडी के डेली वेजर्स हों, पीएचई के हों, और भी सभी वो 5 सालों से सड़कों के ऊपर हैं। अगर इन्होंने अगर जम्मू को अपना रिप्रेजेंट करते, देखिए कश्मीर में तो इनका खाता खुल भी नहीं सकता, चाहे ये वहाँ ए बी सी डी जितनी मर्जी पार्टियां खड़ी कर दें, वो भी एक्सपोज होगी। अब देखिए जितनी इन्होंने पार्टियां खड़ी की थी वो मोस्टली सारे वहाँ के जो उनके पार्टीज के मेंबर थे वो पार्टियां छोड़कर इंडिपेंडेंट खड़े हैं, ये दिखाने के लिए कि अब हम टोटल कश्मीरियों के साथ हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका ये जो एजेंडा है उसको कश्मीर के लोगों के सामने साफ कर दिया। अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अनिरुद्ध जी वो यही पूछ रहे थे कि भाई अगर आप आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपनी सत्ता रहते हुए आपने ये सब काम कर लिए। मैं जवाब देखूं, जम्मू कश्मीर में आज तक जो डेवलपमेंट हुई है तो पिछले 17 सालों में भाजपा हुकूमत कहां रही? आज बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मेडिकल कॉलेजेस, रोडे, फ्लाईओवर, बड़े बड़े जितना भी यहां बने हैं, क्या ये क्या बीजेपी ने बनाया? आपने बनाया था, कितने आईआईटी, कितने आईएम दिए? ये तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? भाजपा के प्रवक्ता, शांत कराइए इनको। इनको सच बोलने में तकलीफ, सुनने में तकलीफ, गौरव कपूर जी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? अनिरुद्ध जी अपने लिए दोहरे मापदंड है क्या? अनिरुद्ध जी, गौरव जी लेट से जुड़े हैं और जो एक डेकोरम होता है उसे बनाए रखिए, एक एक करके बोलेंगे तो आपकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी और आज का दिन तो बड़ा प्रीशियस है, शांति से बात पहुंचेगी तभी समझ में आएगी और तभी लोग घरों से निकलेंगे वोट डालने के लिए। चुप कराइए, हर किसी डेट बोलने, हर किसी के आर्गुमेंट में जो है उंगली, ठीक है ठीक है। गौरव जी जल्दी से पूरा कर लीजिए क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है। जी, मैं समझ सकता हूँ भाजपा की जो परेशानी है वो मैं समझ सकता हूँ। इनको पता है कि हमारे पास करने को तो कुछ है नहीं है, चिल्लाने से ही सब कुछ करे। मैं फिर आपको कहता हूँ अगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जनता बहुत स्मार्ट है, वो चीखने चिल्लाने वालों को सुनती नहीं है, उसे समझ है कि किसकी बातों पर भरोसा करना है। बिल्कुल, इसलिए आप देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इनको बड़ी तकलीफ है, खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस हुआ उसमें इनको बड़ी तकलीफ है। क्योंकि देखिए हम लोग जब भी राजनीति जो हमारी है वो डेवलपमेंट के नाम पे है, इनकी राजनीति है वो कास्टिज्म और रिलीजन के नाम के ऊपर है। ये बड़ी बड़ी बात है, मुझे कुछ कहना है बहुत जरूरी। जी मैं, आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं, पहले उन्हें बोलने दीजिए, वो देर से जुड़े हैं। गौरव जी जल्दी से खत्म कर लें, गौरव जी जल्दी से खत्म कर लें। मैं लास्ट में, अरे अनिरुद्ध जी वैसे भी तो बीजेपी अकेली है ना जम्मू कश्मीर में, आप तो सब एक जैसा बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे तो आपको उससे भी दिक्कत होगी। मैम हमें तो आर्गुमेंट है ना, अगर हमें 2 मिनट मिल सकते हैं तो हम अपनी टिप्पणी भी रह सकते हैं। अभी बताइए 2 मिनट मांग रहे हैं, कोई 1 मिनट मांग रहा, कोई 3 मिनट। अच्छा जल्दी से गरिमा जी पूरा कर लीजिए ताकि मैं अनिरुद्ध जी का रुख करूं। और नासिर जी एंकर 2 बार आ चुकी है अनिरुद्ध जी, लेकिन आपने फुट इन माउथ कर दिया, आपने कह दिया लोकतंत्र, ठीक है ठीक है ठीक है, अपनी बात नहीं, 1 मिनट अपनी बात नहीं, अनिरुद्ध जी से कहिए, अनिरुद्ध जी से कहिए, इनको ये लोकतंत्र का महापर्व कह रहे हैं, ठीक है ठीक है, अनिरुद्ध जी से कहिए, उसी लोकतंत्र की छाती में तो छुरा आपने भोंका। अनिरुद्ध जी ऐसे भी तो देखिए कि आज 10 साल बाद वहां चुनाव हो रहे हैं, मोदी राज में 10 साल जम्मू कश्मीर की जनता ने, आवाम ने चुनाव क्यों नहीं देखा? चुनाव तो लोकतंत्र की आत्मा होता है और आप कह रहे हैं लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, आत्मा को जोड़ी हमें तो क्यों चिल्लाकर लोकतंत्र की आत्मा की बात तस्वीर में आ रही है सामने आप लोगों का। देखिए कर्नल पठानिया कितने शांति से बैठे हैं, सभी को सुन रहे हैं, आप सभी लोग चिल्ला रहे हैं एक साथ में, आप सभी लोग चिल्ला रहे हैं एक साथ में, एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाएगा। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, ठीक है। मुझे लगता है गरिमा जी काउंटर करना चाहती है। गरिमा जी ये चुनावी रैली नहीं है, गरिमा जी ये चुनावी रैली नहीं है, गरिमा जी ये टीवी है, ये नेशनल टेलीविजन है, ये कोई चुनावी रैली नहीं है। गरिमा जी कैंडिडेट वोट कटुआ है कर्नल पठानिया, आपने जानबूझ के खड़े करे, ठीक है, यानी आप अभी तक बीजेपी को निशाने पर ले रही थी, अब आप कर्नल पठानिया को भी निशाने पर ले रही है, ठीक है। अब आप सब चुप रहिए, अब आप सब चुप रहिए, अब नासिर जी बोलेंगे। नासिर जी टाइम कम है, वरना आप भी कंप्लेन करेंगे कि मुझे टाइम नहीं दिया। सब चुप हो जाएं, नासिर जी बोलेंगे। मैम बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आजकल जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग फेजों में, चाहे वो दक्षिणी कश्मीर की हम बात करें, उत्तरी कश्मीर की हम बात करें या मध्य कश्मीर की बात करें, कह रहे हैं कि ये मोदी जी का जो है कारनामा है कि जम्मू कश्मीर के लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें जो है
लाइन पे लगी है और जम्मू कश्मीर इसका जो है सारा श्रेय जो है सरकार को दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो सेंटिमेंट है, ग्राउंड की जो सिचुएशन है बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको ये बताता चलूं कि लोग जो घरों से निकल रहे, हम जैसे नौजवान, मैं पहली बार, मैं 26 साल का हूं, मैं 26 साल की उम्र में पहली बार वोट दे रहा हूं, इस वजह से कि मैं अपनी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो हमसे जो छीना गया, हमारी जो शनाख्त छीनी गई है, हमारी जो आइडेंटिटी छीनी गई है, एज अ मार्क ऑफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इट इज मार्क ऑफ डिसेंट, इट इज मार्क ऑफ डिफेंस, इट इज मार्क ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो उन्होंने 5 अगस्त के बाद यहाँ पे जो है निछावर कर दिया, जिसमें हमने रेड राज कोई, लेकिन अब तो लोकतंत्र का उत्सव मनाने की बारी है। 10 साल बाद इंतजार पूरा हुआ और ये इंतजार पूरा हुआ है तो आज लोकतंत्र के इस उत्सव में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। कर्नल पठानिया, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप थे, टाइम तो क्योंकि हालांकि खत्म हो गया है, लेकिन 20 सेकंड में आपको दे रही हूँ, कुछ कहना है आपको सफाई में? देखिए मैडम, हमारे देश में एक तो राजनीति का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है और उसके साथ साथ डिबेट का स्तर भी गिरता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय। हमारे यहाँ दो किस्म की पार्टीज हैं, एक जो है वो एंटी नेशनल्स हैं, दूसरी नेशनल पार्टी है, और कहीं कहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, जहां तक पावर में बने रहने का सवाल है। जनता जो पहले भी पिस रही थी, आज भी पिस रही है। जो अभी ये बात करते हैं कि ये जो राजनीतिज्ञ और जो सो कॉल्ड बड़े नेता हैं, ये आपके पास सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद 5 साल, यानी आपका कहना है पार्टी बदल जाती है लेकिन जनता सिर्फ पिसती रह जाती है और हालात कभी सुधरते नहीं। गरिमा जी, मैं 20 सेकंड दे रही हूँ क्योंकि आप एक महिला है, अकेली पैनलिस्ट, जल्दी से। नहीं बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं एक फौजी की पत्नी भी हूँ, इसलिए मुझे कर्नल पठानिया की बातें सुनकर मैं शर्मसार हुई कि केंद्र सरकार की बहुत तारीफ बनती है जी, आतंकवाद खत्म हो गया, 100 दिन के आतंकवाद का लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया, 26 आतंकी हमले, 21 जवानों की शहादत और 29 जवान घायल, आपको कमी दिखाई पड़ती है? ये कटौती हुई है आतंकवाद के, उसमें नोटबंदी में यही कहा गया था टेररिज्म खत्म हो जाएगा, फ्रॉड करेंसी खत्म हो जाएगी, एंड जस्ट नाउ यू सेड आर इकोनॉमी इज इन शैम्बल, हमको ये फ्रीबीज नहीं बांटने चाहिए। काउंटर कर दीजिए जल्दी से, जल्दी से, मुझे लगातार कमांड मिल रही है। गरिमा जी, अब आप शांत हो जाइए। लेकिन मतलब इसका वही है, लेकिन मतलब इसका वही है कि पूरी तरह से शांति और अमन सुकून कब मिलेगा? कर्नल पठानिया ने कहा कि टाइम बदलता है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन नहीं बदलते हैं आम लोगों के हालात। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा सोच समझकर, विवेक के साथ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज आगे भी अपडेट हम पहुंचाएंगे। कर्नल पठानिया, अनिरुद्ध जी, गरिमा जी, गौरव कपूर जी और नासिर जी, आप सभी का शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना खास टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहां पर हो गया है, लौटेंगे खबरें।